एडन के साथ आपकी मतलब बड़ी जिगरी आ रही है, आप लोग फेसबुक फ्रेंड्स हैं, हाँ तो उनके साथ आपकी कैसी बातचीत होती है? वो आते तो मतलब वो सूरज को ढक सकते हैं ना, इतने सारे हैं वो. Look, obviously, off the field, he's really, really good to talk. मतलब बहुत अच्छे बात करते हैं. He's, you know, he's been wonderful cricketer. Everyone knows के, especially अगर वो हमारे सामने जब batting करने आते थे, so you know, he was trouble to get out. वो हमारे सामने 200 बनाए, India में आके, you know, बहुत उनकी, he's a great batsman. उनके सामने मतलब काफी सारी मतलब sledging तो नहीं कहूँगा, काफी सारे batters हुए हैं. एक बार मुझे याद है जब 10 ओवर में मैंने 60 या 70 कुछ रन दिए थे एक मैच में ऑस्ट्रेलिया में. मैं बैटिंग करने आया, मैं जितनी 15 मिनट मैंने बैटिंग किया 15 मिनट में उसने 25 बार मुझे बताया हाँ 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 10 ओवर 70 रन. सो मतलब वो उधर से उधर जाए वो मतलब उंगली कह रहा था मुझे. बट बहुत सारे ऐसे किस्से थे जहाँ पे हेडन के साथ बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं, बहुत सारे ऑफ द फील्ड पंगे हुए हैं. इसके अलावा मुझे याद वो चीज़ मेरे दिमाग में बस गई थी कि अगली बार जब ये बंदा आएगा ना मुझे, मैं उसको ज़रूर बताऊंगा कि मैंने भी कई बार उसको आउट किया है. तो उसके बाद इंडिया में एक मैच होता प्रैक्टिस गेम था जहाँ पे वो कॉर्डबेन आउट हुए मुझको, और इट वॉज लाइक अ फर्स्ट क्लास प्रैक्टिस गेम जिसे कहते हैं, टूर गेम रहता है. तो पैड पे खा रहे थे, मतलब पैड पे बॉल लग रहा था, बॉल अच्छा स्विंग हो रहा था, और फिर कुछ 15 रन बना के वो आउट हो गए. मुझे याद है मैंने भी बोला ओनली 15. सो यू नो दैट्स व्हाट वैसी चीजें होती रहती है. इट्स टू बी ऑनेस्ट इट्स लॉट ऑफ फन. 3.5 रेड एफएम.